आशु बेटा, क्या सोच रहे हो? मम्मी, आज 5 दिसंबर है। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन तुझे याद दिला के मैं दुखी नहीं करना चाह रही थी। पॉकेट, तू जानना चाहते है 5 दिसंबर को क्या हुआ था? पॉकेट, चल मैं तुझे बताता हूं कि 5 दिसंबर को क्या हुआ था। आ गया बेटा? हाँ मम्मी। इतनी देर कहां लगा दी? मम्मी, मैं ना नीचे स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट खिला रहा था। मम्मी, वो ना मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। उनको खाना खिलाने में और उनके साथ टाइम बिताने में मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगता है। मम्मी, काश हमारे पास भी एक डॉग होता। नो बेटा नो, डॉग को पालना आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। मम्मी, हम एक डॉग पाल लेते हैं ना प्लीज, मेरा तो कोई भाई बहन भी नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, सोचेंगे सोचेंगे इस बारे में। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, अब ना स्कूल से सीधा घर आया करो, फिर हम दोनों साथ में जाके स्ट्रीट डॉग्स को खाना खाएं। सच्ची मम्मी? सच्ची। ठीक है। आशु का डॉग्स के प्रति प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे आशु बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी, मैं ना फ्रेंड्स के साथ डोनाल्ड में पार्टी करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर टाइम पे आ जाना। ठीक है मम्मी, बाय। बाय। कैसी रही बेटा बर्थडे पार्टी? मम्मी, बहुत मजा आया। मेरे फ्रेंड्स ने ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, मैं आपको दिखाता। अच्छा, लेकिन मैं जो बर्थडे गिफ्ट तुम्हें देने वाली हूँ ना, उससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। वो क्या? पप्पी। मम्मी, दिस इज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। मुझे पता था बेटा। लव यू मम्मी। लव यू टू बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी, इसका नाम क्या रखें? टाइगर, शीरो, ब्राउनी, प्लूटो, स्नूपी, गब्बर, गुफी। बस मम्मी, अभी ना फिलहाल ना मेरे दिमाग में कोई भी नाम नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ना इसे घुमाने ले जाता हूँ, जो भी नाम होगा ना वो हम आके डिसाइड करेंगे। ठीक है ठीक है मम्मी, तब तक मैं भी सोचती हूँ। हाँ। आया मजा घूम के? अरे हाँ, घर चलना है कि नहीं चलना? देख मैं जा रहा हूं, आना है तो आ जा।
तू इतना छोटा है ना कि मन करता है मैं तुझे अपनी पॉकेट में रख लूं और अपने साथ हर जगह ले जाऊं। पॉकेट, पॉकेट, पॉकेट! अरे वाह क्या नाम है, आज से तू मेरा स्मॉल पॉकेट है, मेरा स्मॉल पॉकेट। आ गए दोनों घूम के? हाँ मम्मी। आ जाओ। चलो पॉकेट। आशु बेटा। देखा, मैंने कहा था ना डॉग्स को पालना इतना आसान नहीं है। सुबह से 3-4 बार इसका सुसु साफ कर चुकी हूँ। अब ये कौन साफ करेगा? तुम करोगे और कौन? करो जाओ। मम्मी देखो ना, पॉकेट ने वापस से सुसु कर दिया। कितने खुश थे हम उसके साथ। वो बिल्कुल हमारी फैमिली का मेंबर बन गया था। एक दिन जब मैं उसे घुमाने ले जा रहा था तब ए पॉकेट, चल खेलने चलते हैं। मम्मी देखो ना, ये मेरे साथ खेलने नहीं चल रहा। हाँ बेटा, सुबह से बहुत सुस्त है और आज इसने कुछ खाया भी नहीं। खाया भी नहीं? नहीं। रुको बेटा, मैं चेक करती हूँ। आशु बेटा, इसे तो बुखार है। बुखार है मम्मी? हाँ, हम इसे उषा आंटी की निज साक्षी जो वेटनरी डॉक्टर है उसके पास लेके चलते हैं। हाँ मम्मी चलो। साक्षी, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, कल से इसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। बहुत गर्म है और कल से बहुत सुस्त भी है। आंटी, मैंने अभी इसे चेक किया है, अभी रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा इसे क्या हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल तो आप इसे घर ले जाइए और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं घर आ जाऊंगी। थैंक यू दीदी। ओके ओके साक्षी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।
ये खा क्यों नहीं रहा? आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आशु बेटा, तुम पॉकेट को संभालो, मैं अभी आई। ठीक है मम्मी। आओ साक्षी। आंटी, ये पॉकेट की रिपोर्ट्स हैं। मैंने इसे चेक किया है, लेकिन पॉकेट अब ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। क्या मतलब? मतलब पॉकेट की बीमारी सीरियस है। सीरियस? हाँ। आई एम सॉरी टू से, वो अब नहीं बच पाएगा। मैं बीच में आके उसे चेक कर लिया करूंगी। चलती हूँ। आशु, इसे टाइम पे दवाई दे देना, ठीक है? दीदी, दीदी प्लीज, आप कुछ भी करके पॉकेट को बचा लो ना, प्लीज दीदी। आशु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? हमने पॉकेट को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे पॉकेट ने खाना खाना शुरू कर दिया था। पॉकेट, आजा, एक्शन मूवी देखते हैं। धीरे धीरे पॉकेट की तबीयत में सुधार आ रहा था। पॉकेट, पॉकेट, काफी देर से सो रहा है, मैं उठाती हूँ, कुछ खिला देते हैं इसे। पॉकेट, ओ
पॉकेट। पॉकेट के जाने से आशु बिल्कुल टूट चुका था। आशु की हालत देख के मैंने डिसाइड किया, मैं कभी डॉग नहीं पालूंगी। मेरा पहला पेट पॉकेट, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरे फैमिली का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था, उसका अचानक चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। तो जब मुझे वो डॉग ग्राउंड में मिला तो वो मुझे मेरे बिल्कुल पॉकेट की तरह लगा, और वो मेरा सीक्रेट पॉकेट बन गया। मुझे सब पूछते हैं कि मैं अपने हर डॉग का नाम पॉकेट क्यों रखता हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे हर डॉग में अपना स्मॉल पॉकेट नज़र आता है। मेरा स्मॉल पॉकेट मेरे दिल और मेरी यादों में हमेशा रहेगा, और आज 5 दिसंबर को वो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गया था। तो ये थी हमारे स्मॉल पॉकेट की कहानी, जो हमारी यादों में हमेशा रहेगा। चलो बेटा, घर चलते हैं। चलो मम्मी, चलो पॉकेट। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा स्मॉल पॉकेट आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमें और कौन से नए टॉपिक्स में वीडियोस बनाने चाहिए वो भी जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।